तो गाइज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है सामने, वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि दोस्तों आप लोग सुना होगा, दो तीन दिन चार दिन पहले ये अपडेट चल रहा था कि विजिट वीज़ा अब यहाँ से आपको रिन्यूअल नहीं होगा, आपको अदर कंट्री जाना ही पड़ेगा, या फिर आप अपने वापस उस कंट्री में जाओ या दूसरे कंट्री में जाओ, या फिर यहाँ पे दोस्तों अगर आए हो विजिट वीज़ा में आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेंज करना है तो पहले आपको दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा, फिर रिटर्न आना पड़ेगा, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगेगा। तो इसी पर दोस्तों प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि दोस्तों सरल उपाय है यहाँ पे ऐसा करना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो। दो तीन मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपडेट जारी करके बता दिया है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको एयरपोर्ट से ही एग्जिट करना है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हाँ मुझे फिर से इंडिया जाना पड़ेगा या ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन कहीं पर भी जाना पड़ेगा तो एयरपोर्ट से ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आप चाहो दोस्तों तो बस से भी जा सकते हो। जैसे अभी बहुत सारे लोग ओमान जा रहे हैं, बस से जाते हैं दोस्तों और बस से सीधा आ जाते हैं, वहाँ पे बॉर्डर पे जो भी पासपोर्ट का ये करा के और सीधा जाते हैं और सीधा रिटर्न आ जाते हैं। बस का किराया आपको पता ही है, दुबई और ओमान ज़्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर है दोस्तों, तो इजीली मतलब सस्ते में वो लोग इन आउट कर लेते हैं। तो अगर आप यूएई में हैं, आपके पास विजिट वीज़ा है, आपको जॉब लग रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में चेंज हो रहा है, या फिर विजिट वीज़ा फिर से रिन्यूअल कराना है, तो आप ये कम पैसे में दोस्तों ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। जैसा मैं बताया, आपको जाना है बस से ओमान, ओमान से फिर दुबई आ जाना है, दुबई के किसी भी स्टेट में आ जाओ, आप यूएई के किसी स्टेट में आओ और अबू धाबी में आ जाओ, अजमान में आ जाओ, शारजा में आ जाओ, राशल खेमा कहीं पर भी आप आके दोस्तों अपना फिर से जो वीज़ा है वो लगवा सकते हो, रिन्यूअल करा सकते हो। तो ये छोटी सी अपडेट था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और ऐसे अपडेट दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया जाता है ताकि लोग जो लोग के मान लीजिए माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है कि इतना पैसे लगेंगे, मान लीजिए एक बार आप इंडिया जाओगे तो कितना पैसे खर्च हो जाएंगे, या ओमान ही जाओगे आप फ्लाइट से जाओगे तो फ्लाइट का कितना, कैसे भी 300-400 दरम से कम तो लगेगा नहीं, वापस आने में 300-400 दरम मतलब 1000 दरम तो ऐसे ही चला जाएगा। बस से आप आओगे जाओगे तो 200-250 दरम में आराम से इजीली आप आ भी सकते हो, जा भी सकते हो दोस्तों। तो ये छोटी सी अपडेट है दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोग ये सब प्रॉब्लम से बच सके। और कोई भी कन्फ्यूजन है, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करो, मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक